5 अगस्त 2020 एक ऐतिहासिक दिन बन चुका है। जब तक तारीखें गिनी जाएगी, जब तक मानव जाति अपने इतिहास को याद करेगी, तब तक यह तारीख स्वर्ण अक्षरों में जगमगाती हुई मिलेगी। 5 अगस्त, ये एक आम अगस्त का दिन नहीं था कि जिस दिन आप उठे, दफ्तर गए और घर आकर सो गए। तो फिर 5 अगस्त का क्या था? वो दिन जो व्यक्ति के जीवन में केवल एक बार आता है, 5 अगस्त को किया गया राम मंदिर पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन। ये दिन जिसे देखने के लिए सैकड़ों राम भक्तों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तमाम राम भक्तों ने इस दिन के लिए साथ में मिलकर लड़ाई लड़ी, और ऐसी लड़ी कि उनके संघर्ष के किस्से अब इतिहास के पन्नों में हमेशा जीवित रहेंगे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बात कही कि आज पूरा भारत राममय है। आज की हमारी खास खबर ऐसे ही राममय हुए भक्तों की, राम के जयकारों से गूंजित राम भक्तों के मन की, और राम मंदिर पुनर्निर्माण को संभव बनाने वाले राम के दीवानों की। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारी खास पेशकश राममय गरोड़। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ जड़ बिहारी सीताराम। जैसे ही राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त तय किया गया, पूरे देश में हर्ष और उल्लास का माहौल फैल गया था। फिर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया, बस तभी से पूरे देश में दिवाली का माहौल बन गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, रामलला जैसे 500 सालों के बाद अपना वनवास खत्म कर वापस अपने घर अयोध्या धूमधाम से लौट रहे थे। इस अवसर पर पूरे देश में मिठाई बांटी गई, मंदिरों में विशेष पूजन किया गया, फटाके चलाए गए, घर घर दिए लगाए गए और रंगोलियां भी बनाई गई। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला गरोठ में, जहां विशेष आयोजन कर कार सेवकों का सम्मान किया गया। गरोठ नगर में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। नगर में भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली 2 के रूप में एक कार्यक्रम किया, जिसमें पूरी तरह से दिवाली जैसा माहौल देखा गया। वहीं महाराणा युवा संघ के कार्यकर्ताओं ने विजय स्तंभ पर अयोध्या धाम की रंगोली और 1000 दिए लगाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया और साथ ही कार सेवकों का सम्मान भी किया। जब हमारे संवाददाताओं ने कार सेवकों से बात की तो उनमें राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन को लेकर काफी उत्साह देखा गया। आइए आपको भी गरोठ में लेकर चलते हैं, जहां पर राममय दृश्य आपको साफ दिखाई देंगे। साथ ही सुनते हैं कि कार सेवकों ने इस अवसर पर क्या कहा। दोनों तरफ कार सेवा में गया था, आईडी थोड़ी से इधर करो, हमको आने नहीं दिया। 30 अक्टूबर 90 में हमको वापस भेज दिया था रतन रोक के, और 6 दिसंबर बानू में तो बड़े भाग मानुष तन पावा मन ए हे परमात्मा तेने ऐसे दे दी ताकि आज राम के काम हम आ जाए। बड़े भाग मानुष तन पावा बड़े संत दुर्लभ संत मन को भाया। आज आपको कैसा अनुभव हो गया? ऐसा अनुभव हो रहा कि आज नई तरह की दिवाली आएगी, इस कलयुग में सतयुग का हो गया मतलब प्रवेश। दुष्ट समूह बसे दिन राती कटुग वचन जला वही छाती हरित भूमि तन संकुचित समझ पड़े नहीं पंत जीव पाखंडी आते लुप्त भय सब जन। इन लोगों ने बदमाशों ने गुंडों ने मैं तो कहते हैं पूछा के ताले 70 साल तक बाहर जो किए लोगों ने और कोई काम नहीं किया और देश को सत्ता दान किया ने। और इन लोगों ने हमने जो पार्टी वाले ने हमारे उठाया है तो उसको रोना उठा है और हमको कहते हैं देशद्रोही या अत्यारे। आज इनका सर्वनाश कर दिया राम जी ने। आज हम इतने प्रफुल्लित हैं इनके पार्टी के जाने से, और मैं कह रहा हूँ गणेश जी ने एक आदमी भी वोट देने वाला नहीं जाएगा इनको, एक सीट भी आने वाली नहीं कांग्रेस को, कि राम जी के श्राप तो सब जाने वाले एक दिन बचने वाला। जय जय सियाराम। विक्रम भारतीय जनता पार्टी मंडल गरोठ ने प्रदेश के निर्देश अनुसार जो ऐतिहासिक कार्य हमारे देश में हुआ है श्री राम मंदिर निर्माण का, उसका आज भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और उसी तारतम्य में आज यह कार्यक्रम
यहाँ पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ, महाआरती, आतिशबाजी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के लोग। आज मंदिर भूमि पूजन होने पर कैसा लग रहा है आपको? आज मंदिर भूमि पूजन होने पर पूरे देश में जोरदार उत्सव का माहौल है और हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 500 वर्षों के जो है संघर्ष के बाद आज मंदिर का भूमि पूजन हुआ है और ऐतिहासिक और भव्य मंदिर निर्माण होगा, जो हम सब के लिए गर्व और जो है शौर्य का प्रतीक होगा। आज का जो दिन है 5 अगस्त 2020, ये एक बहुत ही हर्ष का दिन है। हमारे पास इसके लिए शब्द नहीं है। 452 वर्षों के बाद में राम मंदिर अयोध्या में आज ही के दिन में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा नींव रखी गई है और यह एक बहुत बड़ी लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कई वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें अभी कुछ ही महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सनातन धर्म हिंदुओं के पक्ष में यह बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो एक बहुत हर्ष का विषय है। उसी को लेकर पूरे देश में आज ही दिवाली का एक नया त्यौहार शुरू हुआ है। अब हर वर्ष 2 बार दिवाली आएगी और भगवान राम आज से 32 महीने बाद में भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसी को लेकर आज यहाँ पर भव्य झांकी की स्वच्छ कलाकारी भाई सत्तू भाई सोनी के द्वारा की गई है और कुछ समय बाद शहीद चौक पर अति शीघ्र हमारे क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं की उपस्थिति में शीघ्र चालू कर रहे हैं। वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। महाराणा या संघ आप सभी लोगों का कार्यकर्ता बंधुओं एवं गणमान्य नागरिकों से क्या नाम है आपका सभी यहाँ पधारने का कष्ट करें और समस्या कार्यक्रम। ये केवल गरोट का दृश्य नहीं है, ये पूरे भारत का दृश्य है। पूरा भारत राम की धुन में राममय हो गया है। लेकिन गरोट में अपने कार सेवकों का सम्मान कर एक उदाहरण जरूर पेश किया है कि हमेशा संघर्ष का सम्मान करना चाहिए और सफलता मिलने पर उन्हें नहीं भूलना चाहिए जिनके कारण ये सफलता प्राप्त हुई है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।